जैसे कि दोस्तों देख रहा हूँ, मैं अभी इस वक्त सलामतपुरा खंडू पाड़े के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे 3 दिन पहले महानगर पालिका के कर्मचारियों ने पाइपलाइन की मरम्मत के लिए घड़ा खोदा था, 8 से 10 उसका घड़ा खोदा, उसके बाद उसको सिर्फ मिट्टी डाल के इसी तरह छोड़ के चले गए और इसमें गाड़ियाँ फंस रही है। ये एक लौटा रोड है अलिया कॉम्प्लेक्स जाने के लिए, आज वो रास्ता बंद हो गया, बड़ी गाड़ियाँ उसमें फंस जा रही है, दलदल हो गया है। स्कूल की छुट्टी आज, तो ज़रा यहाँ पे लोगों को राहत है, कल स्कूल हो जाएगी तो स्कूल के बच्चों की कितनी तकलीफ होने वाली है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसकी वीडियो भी मैं आपको साइड में डाल दूँगा, जिसको आप देख सकते हैं कि घुसने से पहले ये रोड कितना अच्छा था और घुसने के बाद ये रोड की हालत क्या हो गई है। अब यहाँ पर लोग परेशानी से आना जाना हो रहे हैं। ये मकसद ये है सिर्फ दिखाने के लिए कि महानगर पालिका किस हद तक करप्ट हो गई है, उसको भिवंडी शहर से कोई लेना देना नहीं, अगर भिवंडी शहर के लोगों की तकलीफ से कुछ लेना देना है। ये घड़ा और पूरे शहर का घड़ा ये साबित कर रहा है कि म्युनिसिपल्टी कितनी करप्ट हो चुकी है। इसी के विरोध में भिवंडी शहर में कल 3 बजे महानगर पालिका पर हम कांग्रेस भिवंडी कांग्रेस कमेटी की एक बहुत बड़ी जन आंदोलन है, जिसको हमारे भिवंडी शहर अध्यक्ष रशीद ताहिर साहब और हमारे पूर्व प्रभारी जावेद फारूकी साहब इसको लीड कर रहे हैं, जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में है। ये एक उदाहरण है कि भाई करप्शन के खिलाफ ये शहर अब जागरूक हो चुका है। आप लोगों को चाहिए कि कल 3 बजे बंजारपट्टी नाका गस्ती नाके से महानगर पालिका का जो कांग्रेस का मोर्चा जाने वाला, उसमें शामिल हो और आप लोग जिम्मेदारी से आए और महानगर को ये बताएं कि भिवंडी शहर अब और ज़्यादा तकलीफ और भ्रष्टाचार नहीं सहेगा। इस महानगर पालिका को सबक सिखाने के लिए पूरे शहर के लोगों से, खासकर मैं खंडू पाड़ा अंसार मोहल्ला और अपने पतरे की चाल अतराब के इलाकों से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल कर नदी नाके पर आए, नदी नाके से आकर आप लोग महानगर पालिका का घेराव करें और कांग्रेस पार्टी इस मोर्चे में आप लोगों का सहयोग मांग रही है। आप कांग्रेस का हाथ मजबूत करें और शहर के विकास और शहर की तकलीफों को दूर करने के लिए आप कांग्रेस का साथ दें।